राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, प्राचीन ज्ञान YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही है निर्जला एकादशी कब है, निर्जला एकादशी का महत्व क्या है और निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत पारण का समय क्या रहेगा। आप सभी जानते हैं कि निर्जला एकादशी का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कहा गया है कि यदि कोई साल में आने वाली 24 एकादशी का व्रत नहीं कर सकता तो वो केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे सभी एकादशियों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को आती है। अब मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस बार निर्जला एकादशी कब है, निर्जला एकादशी 2023 में कब है। दर्शकों, इस व्रत को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। यह एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ बताई गई है। इस व्रत को करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगी और भगवान विष्णु आपको सुखी और संपन्न जीवन प्रदान करेगी। दर्शकों, धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस साल यह एकादशी 31 मई को आ रही है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। दर्शकों, निर्जला एकादशी के दिन 3 जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य करने का भी बहुत अधिक महत्व है। इस दिन परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। यह व्रत अधिकतर महिलाएं करती हैं। इसके अलावा इस दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है। दर्शकों, निर्जला एकादशी का महत्व क्या है। बंधुओं, कहा जाता है कि भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया था, क्योंकि भीमसेन इतना खाते थे कि वे कोई व्रत नहीं रख सकते थे। तब भगवान श्री कृष्ण से भीमसेन जी ने पूछा कि मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताएं जिसे करने से मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत बताया और बताया कि यदि तुम सिर्फ इस एकादशी का व्रत कर लेते हो तो तुम्हें साल की आने वाली 24 एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। और जो कोई भी पूरे साल की एकादशी का व्रत नहीं कर पाता, वो यदि निर्जला एकादशी का व्रत भी कर लेता है तो उसे संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त होता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने वाले को अन्न और जल का त्याग करना पड़ता है। पद्म पुराण में बताया गया है, इस व्रत को करने से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं, निर्जला एकादशी 30 मई मंगलवार को दोपहर 1:09 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:47 पर होगा। इसलिए उदयातिथि के नियमों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण 1 जून को सुबह 5:23 से 8:09 तक होगा। बंधुओं, निर्जला एकादशी की पूजा विधि क्या है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा घर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें और फिर भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। यदि आपके पास वस्त्र नहीं है तो पीले रंग का गमछा आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पूजा के बाद यह वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान कर दे। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के चावल, पीले फूल, पीले फल भी शामिल करें। विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत करें। इसके बाद मिठाई का भोग लगाएं और पश्चात में 5 वस्तुओं का निर्जला एकादशी पर दान करें। निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य करने का बहुत महत्व है। इससे जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करें, शरबत पिलाया, जौ के सत्तू, पंखा, खरबूजा, आम दान करने का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन किसी गरीब संत को मटका या कलश का दान अवश्य दें। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। यदि आपके लिए निर्जला एकादशी का व्रत करना संभव नहीं है तो
आप पानी पीकर और फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। बंधुओं, निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी अपने बाल नहीं कटवाए, दाढ़ी मूछना, नाखून भी ना काटें और मांसाहार का सेवन एकादशी के दिन ना करें। किसी की चुगली निंदा करने से बचे, झूठ ना बोले, किसी जीव की हत्या ना करें। हो यदि आपने अब तक YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।